नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के सरहरी रजबाहा में देर रात खादी फटने से किसानों की करीब 500 बीघा रबी की फसल डूब गई। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है, लेकिन कोई झांकने तक नहीं आया। पटरी की मरम्मत का काम शुरू ना होने से गांव में पानी घुसने के डर से लोग काफी परेशान दिखे। करीब 500 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई और जानकारी देने के बावजूद प्रशासन झांकने तक नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में काफी गुस्सा था। कासिमपुर थाना क्षेत्र के सरहरी गांव के सामने रजबाहा में खादी कटने से लगभग 500 बीघा रबी की फसल डूब गई। देर रात कटी माइनर की जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई, जब उनके खेत में पानी लबालब भरा मिला। धीरे धीरे पानी खेत के बाद आम की बाग में भी भर गया और गांव में घुस गया। ग्रामीणों का कहना है कि नहर की पटरी कटने से जलमग्न हुई फसल की जानकारी नहर विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण पटरी अनुरक्षण कार्य भी नहीं शुरू हो सका। अनुरक्षण कार्य न शुरू होने और माइनर में पानी जाने से ना रोकने के कारण पानी खेतों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान ही नहीं ग्रामीणों में भी काफी परेशानी है। निवासी ग्राम सरहरी थाना कासिमपुर के अंतर्गत देर रात करीब 1:30 बजे के सरहरी रजबाहा में खादी हो गई, जिसके कारण हमारी 1.5 बीघा फसल और मेरे भाई की 2 बीघे फसल, महेश कुमार नाम है उनका, और ग्रामीणों की 500 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई, जिसकी शिकायत हमने संबंधित अधिकारी जय प्रदीप तोमर से की। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, नहर का पानी नहीं बंद किया। उसके बाद जब पानी नहीं बंद हुआ तो करीब 11:30 बजे के आसपास डीएम साहब हरदोई पुलिस खरे को फ़ोन किया और तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी को हम जो है ना भेज रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी। और हमने ये भी बताया कि ये टेल का एरिया पड़ता है और यहाँ पे पानी अक्सर खांदी कभी नहीं हुई है, पहली बार खांदी हुई है, जिस कारण अभी दिसंबर माह में ही इसकी रजबे की सफाई हुई थी और उस सफाई में सिर्फ नाम मात्र काम हुआ है। जो खरपूस थे वो JCB द्वारा हटा दिए गए और सफाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाई और यहाँ जो खांदी है, कंदक है या जानवर निकलते हैं, इस तरीके से कई रजबे की पटरी पे खंदक बने हुए हैं अभी और उनको भरा नहीं गया, इस वजह से ये खांदी हुई है। बोल रहे हैं दुलारी, हमारे साहब नहर से कट गए हैं, हमारे साहब 2.5 बीघा रब्बे चली गए, सब बिल्कुल जान ऊपर साहब आई रहा, अंग रंग भरे के सब बेकार हो गया, भरी गांठ लो खांदी चल रही साहब, कोई अधिकारी नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं साहब, बताओ गरीब आदमी बेवा का खेबे का हम गरीबे बताओ साहब, उनका हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। सर, एक गांव पड़ता है सरहरी थाना कासिमपुर थाना क्षेत्र में, रजबाहा के कटने से कम से करीब 500 एकड़ फसल डूबने का मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या है पूरा मामला? ये सूचना प्राप्त हुई है और इसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उसको नियंत्रित करने और आगे का नुकसान न होने देने के प्रबंध किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।